हेलो, हाँ जी महाराज जी बोल रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, ये मेरी मैडम को बात हुआ था, मैडम फोन उठाई थी तो बोले थे महाराज जी से हम बात आपको कराने के लिए, तो बताइए। हाँ, मेरे मैडम की बात है, बात बताओ। हाँ हेलो बेटा, बोलिए हेलो, प्रणाम बोलिए बोलिए। जी। तबीयत खुश रहिए खुश रहिए। कैसी तबीयत है अभी? ना बहुत खराब है, उल्टी पैखाना और माथा में दर्द, पेट में जलन उलन सब देते रहता है। क्या ऊपर आता है? सर? ऊपर आता है जो अंदर, जो आपके शरीर के अंदर है, ऊपर आके कुछ सुनता है जो मैं बोलूंगा? सुनेगा वो? जो देह तो मतलब भारी रहता है ना, तो देह वो खाली झूलते रहता है, देही अच्छा, है। लगता है तीन किस्म का बीमारी होता है, उल्टी उल्टी सर और माथा में दर्द 24 घंटा रहता नहीं सर, आपका भारी होता है। और कभी तांत्रिकों के पास गए आप? है। हाँ गए, लेकिन नहीं, पैसा ले लेके नहीं ठीक किया। आपके ऊपर वो शैतानी हरकत आती है, देख रहा हूँ आपके अंदर है, देख रहा हूँ मैं। जी आता है, बात करता है, बात जी जी करता है, क्या बोलता बोलता है? है कि मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। चलिए ठीक है, नींबू ले लीजिए आप में, जरा देखते हैं। जी नींबू हाथ में लीजिए। जी नींबू जी दे रहे हैं। हाँ हाँ गुरु जी, ले लिए बेटा नींबू, ले लिए। ले लिए। हाँ चलिए, क्या है, कपूर वगैरह है? जी है। हाँ तो आपके हस्बैंड को बोलिए, सुनते रहेंगे आप, ठीक है? वो जाए ना कहीं। जल्दी बहुत टाइम से आपके ऊपर। हेलो, लाइए। हाँ बोल रहे हैं। नहीं बहुत टाइम से है आपके ऊपर। आपको मैं कह रहा हूँ, बहुत टाइम से है इनके ऊपर कार्रवाई। जी, 10 बरस से। कहाँ से हैं आप लोग? बिहार, पटना से। पटना का? पटना पोस्टल पार्क में रहते हैं सर, सर्टिफिकेट दिया हुआ है मुझे। मोबाइल का साउंड ऑन कर लीजिए। जी मोबाइल का साउंड ऑन कर लीजिए, उनको सुनाई देना चाहिए। अच्छा 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 एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ गुरु जी बोल रहे हैं। चलिए ठीक है बेटा, मेरी बात सुनते रहिए। नींबू जी को राइट हैंड में पकड़ लीजिए। पकड़ लिए हैं। कौन से एरिया से हैं पटना में? पोस्टल कौन? पोस्टल पार्क। पार्क। चलिए ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ बेटा, वो आपके शरीर पे आएगा, ठीक है? जी चलिए। ओम श्री हमते नाम 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 ओम श्री भैरवाय नमः। 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 ऊपरा 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 दांत में दिखा, ऊपरा। ओम श्री भैरवाय नमः। 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 ओम श्री भैरवाय नमः।
ओम श्री जीवानी नमः 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 ओम श्री उमा देवी मातरे 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 चला जा जा बोल 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 जब ना उल्टे होते उसको बुलाएगा कि मैं दूं यहां से तीन तरह को चला जा उसके पास ऊपर ऊपर आ जा ऊपर आ जा राजा उल्टी करा के कोई फायदा नहीं है देख भैरव जी गए तेरे पास ओम श्री भैरवाय नमः 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 ओम श्री भैरवाय नमः चल बोल 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 ऊपर आ बोलो ना ऊपर आ नीचे कह रहे ऊपर आ चल ऊपर आ चल ऊपर आ ऊपर आ ऊपर आ टीम बदल उसको ऊपर आ ऊपर आ ऊपर आ चल ऊपर आ समझ जाना मैं तुझे कितना तकलीफ दूंगा ये ध्यान में रखना तू ठीक है उल्टी करवा मत उसे तकलीफ मत दे समझा ना चल ऊपर चला जा ऊपर ऊपर उल्टी 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 नाटक नहीं चाहिए तेरा ऊपर इंसानी है ना इंसानी है ना इंसान है ना तू इंसान है ना क्यों उसे परेशान कर रहा है क्यों परेशान कर रहा है बेटा गुरु जी हमको तो कर दिया है किसने कर दिया चल बता मौसी कर दी है तेरा नाम क्या है बेटा नाम नहीं पता है तेरा नाम तो मालूम होगा ना तेरे को नहीं उसका नाम राजू है उसका भाई का भाई का नाम राजू है जी तो तू इतना तकलीफ क्यों देता है बता मर गया इंसान है तू इंसानों की मदद करना चाहिए तू मरने के बाद उसको तकलीफ दे रहा है बता अब तो मुझे गुरु बोल दिया कि क्या बोलूं मैं बोल हाँ तू बता तू शैतानी हरकत हो के तू मुझे गुरु बोल दिया तो मैं तुझे क्या बोलूं चल बता बोल बोल उसके पेट में कितने लोग है बोल अभी देवरामी है और कोई नहीं है और है तो चुड़ैल है चल चुड़ैल ऊपर भेज बेटा मैं तेरे को अभी भाग रहती है अभी भेज अभी भाग नहीं जाएगी मैं हूँ टेंशन मत ले मेरा नाम है दिनेश्वर महाराज दुनिया को मैं सिखाता हूँ इसे भी सिखा दूंगा टेंशन मत ले ठीक है चल जा मैं उसको परेशान कर रहा हूँ मैं उसको भेज ऊपर चल ओम 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 चल आजा ऊपर आजा बोल बोल ले बोल अब आ गई है ना तो बोल अभी तो बोल बोल बोल
चुराई लागले बोल बोल क्या नाम उसका चुराई का नाम है इसको पता है मौसी का पता है चल बोल रहे चुड़ैल रानी चल बोल क्या चाहती है तू तो क्या चाहती है चल बता बोल अभी मैं प्यार से बातें कर रहा हूँ जब लात मारना चालू करूंगा ना तो कोई बचाने नहीं आएगा तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लगता तुम लोगों को डर लगता है गुरु जी डर नहीं लगता मुझसे डर लगता है वो जुबान बंद हो गई क्या उसकी चल मैं जुबान खोलता हूँ तेरा तुम लोगों की जुबान खोल देता हूँ मैं ओम श्री दुर्गा नमो 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 श्री मैं यहाँ से काट दूंगा तुम लोग को घर से काट दूंगा मैं ध्यान रखना तुम लोग इज्जत से निकलो अभी इसकी मौसी जिंदा है इसकी जी जिंदा है अभी तू पहले देख वो नींबू उसके हाथ में है देख रही है नींबू के अंदर जा तू जा नींबू के अंदर जा जा ओम ह्रीम क्लीम दुर्गाय फट स्वाहा ओम ह्रीम क्लीम दुर्गाय फट स्वाहा ओम ह्रीम क्लीम दुर्गाय स्वाहा ओम ह्रीम क्लीम दुर्गाय फट स्वाहा ओम ह्रीम क्लीम दुर्गाय फट स्वाहा ओम ह्रीम क्लीम दुर्गाय गई गई हाँ अभी कौन बोल रहे हैं माता अंदर से चल चुड़ैल भी भाग लिए और तेरे साथ तेरी तेरी मौसी करके रखी है किसी ने बताया नहीं था कोई तांत्रिक जी नहीं बताया है तांत्रिक ने किसी ने बताया नहीं किसी तांत्रिक ने काम नहीं किया छोटा मोटा काम करने वाले बिहार में बहुत सारे ढोंगी पगंडी वाले ये तो छोटा मोटा तांत्रिक काम कर देता है सब नहीं सर हम लोग बहुत थक गए 10 बरस नहीं थी चलो माथा का दर्द अभी कम हो रहा है देखो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः शांत अब बेटा कैसा लग रहा तुम्हें ठीक है बेटा जी देखो तुम्हारी मौसी ने करके रखा है उसकी बहू जो मरी हुई है ठीक है ना उसकी बहू जो मरी हुई है वो तुम्हारे ऊपर हावी है वो चुड़ैल बन गई है और तुम्हारी मौसी तांत्रिक टाइप की औरत है ठीक है जी वो तांत्रिक ठीक है वो गंदी चीजें पाल के रखा है अगर वो गंदी चीजें दूसरों के ऊपर नहीं करेगा तो उसे तकलीफ होता है ठीक है तो इसकी माँ जो इसकी जो तुम्हारी जो मौसी है वो अक्सर देखो तो चुड़ैलों की ही पूजा करती हो चलो बेटा अभी तुम्हें आराम हो जाएगा टेंशन मत लीजिए ठीक है ओम 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 चल बेटा उस नींबू से अपने हस्बैंड को नींबू देना पकड़ा ये गुरु जी चलिए मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ उसे उतारा करिए आप अच्छा एक मिनट जी चलिए नींबू ले लीजिए नींबू पकड़ी हुई है आप नींबू पकड़ लें नींबू आप ले लो उसके अंदर उस नींबू के अंदर कैच कर दिया है मैंने दोनों को चुड़ैल और वो जो डैन थी जी 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 चलो ठीक है मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ आप उतारा करिए जी जी हमको बोला पाएगा मंत्र को मैं बोल रहा हूँ उतारा सीधे तरीके से करना मैं बोलूंगा वो बोलते जाना आप ठीक है
सीधे सीधे सबसे से चलिए चलिए ओम दुर्गे नमः 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 ओम हनुमते 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 नमः ओम भैरवाय 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 नमः बेटा ये उतारा करके चार चौराहे पे आप डालना है और क्या बोलना है जिसने अभी उसकी मौसी ने किया हुआ है ठीक है जी अभी ये उतारा कर लेना उतारा करने से ठीक हो जाएगा ये जो डायन आई थी डायन अभी गुरु बोल दिया इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसे डायन को बोलना गुरु जी ने बोला है जिसने मुझे तकलीफ दिया है मेरे वाइफ को तकलीफ दिया उसको जाके तू ज्यादा तकलीफ देगी क्या करेगी तकलीफ देगी जो किया है वो बोल के ओम श्री भैरवाय नमः बोल के चार टुकड़ा करना रास्ते पे फेंक देना और घर पे आ जाना 5 अगरबत्ती कपूर भैरव बाबा बजरंग बली दुर्गा माता के नाम पे जला देना ठीक है जी जी और अभी ठीक हो गया अगर तो इसकी मौसी आती है तो इसे घर के अंदर मतलब किसी के शरीर को टच मत करने दो बिहार में अक्सर यही होता है जी जी ठीक है जी 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 और ये छोटे मोटे तांत्रिकों का काम था आपको कोई तांत्रिक नहीं मिला था आपको अरे गुरु जी हम परेशान मिलता है अब माली दूसरे फसर कर ले लेता है कुछ नहीं कर पाता है हमारा हाल जाल मांगता है परेशान है अब उन लोग से हम तो लड़ नहीं सकते हैं ना कोई विद्या हमको कुछ मालूम नहीं है तू तो आपका हम देख के अलग उतारा करके फेंकते जाते हैं रोज आए वो है उसी तरफ परेशान कर ले एकदम मतलब नींबू वाला काट काट के हम फेंकते जाते हैं आपका जो हमको जब से मिला हुआ सिद्धि साईं बाबा के यहाँ से आए हुए हैं गुरु जी वहीं से ही हमको जानकारी हुआ है आपके बारे में तो थोड़ा कर हम जान बचाए हुए हैं वहाँ से किसने बताया था मेरे बारे में जी जी गुरु जी को हमको बताया कोई नहीं हम गए थे शिर्डी साईं नाथ के यहाँ दर्शन करने जैसे ही आए ना अपना मोबाइल पर देखे तो आपका उसके बाद से हमको राहत मिला है क्या करके हम फेंकते जाते हैं ताकि उनका जान बचे लेकिन हम कोशिश किए यहाँ बहुत लोगों से सब लोग किया नहीं बस हम लोग से लड़ाई भी नहीं कर सकते हैं इसीलिए हम तो एकदम निर्णय निकालेंगे भाई हमारे पास इतना तो जाने के वहाँ बॉम्बे जाने के लिए कम से कम 10-20 हजार रुपया रहेगा तब में जाकर वहाँ रद्द कराएंगे लेकिन दिमाग चला की जगह कम से कम गुरु जी से बात करने के लिए पेटीएम कर दूँ और तब तक बात हो जाएगा तो कल्याण हो सकता है इसीलिए हम टाइप पर ट्राई करते हैं हम लोग मिला गुरु जी से बात करके आपको ये बताइए गुरु जी आपका आपका नींबू का क्रमांक हम देखेंगे गुरु जी और हमारा जो जो आता है सब नहीं तो आता है अगर कर ठीक करना है तो वही ठीक कर सकते हैं फिर बाकी कोई चुप नहीं करेगा वो खुद बोलता है कौन जो इसके शरीर पर जो था हमारे बुआ जिसकी तू आती है तो बोलती है कि क्या कहना वही ठीक कर सकते हैं बाकी कोई नहीं ठीक करेगा तो तू उसी को दिखाओ उन्हीं को यहाँ गुरु जी के यहाँ जाओ क्या कर उपाय अगर जो तांत्रिक है गुरु जी को लगा हुआ है मतलब ये सब तो है ही है अलग से वो करने के तैयार है सुनो कभी भी मेरी बात कभी भी गौर से सुनो आपको अगर कुछ मांगना है कुछ करना है तो डायरेक्टली माता रानी के सामने सर झुकाओ किसी ढोंगियों और पखंडियों के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है जी 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 ठीक है भगवान है सनातन सत्य खड़ा है उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दो सारा काम हो जाएगा ठीक है जी 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 हम तो खुद पूजा करते हैं गुरु जी आपको बताने की जरूरत नहीं है गुरु जी आपको सब कुछ हम आप देख सकते हैं हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं आपको सब मैं कुछ नहीं ये जो करते हैं हम ऐसा नहीं है कि हम फोन के ऊपर मैं सारे अच्छे से अच्छे शक्तियों को खींच लेता हूँ मैं जैसे इसको मैंने खींचा ना अभी
जी तो ऐसे सारी चीजें कर देता हूँ, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। यही है कि मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं वहां पे, काला विद्या जानते हैं, फिर भी वैसा क्यों नहीं कर पाते। लोग अपना दुकान खोल के रखा हुआ है और लोग डरे नहीं कि लोग किसी को कुछ कर सकता है। यही बात है गुरु जी, यहाँ तो हम अगल बगल इधर उधर सब जगह दुकान खोल कर बैठे हुए हैं। मुर्गा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बेचारा गरीब गुरुआ लोग लेकिन गिरता है, उसके बाद भी टिक नहीं करता है। सबसे बड़ी समस्या यही है गुरु जी। चलिए ठीक है, काम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी वो उसके ऊपर डायन आई थी, उसने गुरु बोल दिया इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं उसको, नहीं तो मैं तकलीफ बहुत दे देता। ठीक है, अब उसके अंदर थोड़ी सी सत्यता थी, वो स्वीकार कर लिया, निकल गई वो। ठीक है जी जी जी, चलिए ठीक है, ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। जी टेंशन नहीं ना, इसको का काला हम काटने से पहले बाबा भैरव बाबा का नाम ले लेना है ना गुरु जी। जी जी, और उल्टा हो जाएगा, उसकी मौसी आएगी तो उसे अंदर नहीं लेना। जी जी जी, अब बोलिए, काटने से पहले बोलूंगी। चलिए ठीक जी, खुश रहिए।